तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड अ न्यू वीडियो। तो आज कोई व्लॉग नहीं है, आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इन्फॉर्मेटिव भी नहीं कह सकते, मतलब जो भी स्टूडेंट है या बैचलर है जो घर से दूर रहता है, जैसे मैं रहता हूँ, तो हमारे लिए हमारा एक्चुअली जिम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए डाइट इंपॉर्टेंट करनी बहुत ज़रूरी है, पूरी करनी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, तीन चीज़ चाहिए। तो अब प्रोटीन तो थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन जिन भी चीज़ से आता है, या तो आप एक सप्लीमेंट खरीद लो प्रोटीन का, वो आपका 4,500-5,000 तक का डिब्बा आएगा, वो आपका चलेगा केवल एक महीने। और बाकी अगर पूरे दिन का बॉडी वो प्रोटीन टेक अगर आपको पूरा करना है, तो उसके लिए आपको और भी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेगी, लाइक चिकन, कोई चिकन नहीं खाता, एग तो कोई एग भी नहीं खाता, सोया, किसी को सोया से एलर्जी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं, आज ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ अपनी, जो मेरा डेली रूटीन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ खाने के अंदर। तो उसके लिए चलते हैं, पहले ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या लेता हूँ। ये बेसिकली वीडियो उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स, जो समझिए ना, मेरी तरह अकेले रहते हैं। चलो चलते हैं। मैं फ़िलहाल आया हूँ रिलायंस, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उसके आस पास रिलायंस ही है। आपके घर के पास कोई भी स्टोर हो सकता है, तो आप वहाँ से आके ले सकते हैं, यहाँ पे सारा सामान मिल रहा है, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा स्टोर है, यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, मेरे को कहीं और जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो चलो चलते हैं। पहले लेंगे हम एक डियो, क्योंकि जिम में जाते हो पसीना पाते, बदबू बहुत आती है, ले ले करो, ज़्यादा महंगा नहीं आता, ठीक है, बदबू मारते रहते हो। और सेकंड आइटम हम लेंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अंदर जीरो शुगर, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, बेहतरीन। तो 5-6 बोतल में चीज ले लो, ठीक है। बस इतना ही था आज की वीडियो में, हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं, इससे सारी पूर्ति हो गई। मजाक कर रहा हूँ यार। तो गाइस, सेकंड आइटम है हमारा पीनट बटर, बट मैं किसान का नहीं यूज़ करता, मैं यूज़ किसी और कंपनी का करता हूँ, पर आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। गुड फैट और प्रोटीन भी ठीक ठाक होता है, पर यहाँ गुड फैट के लिए। तो नेक्स्ट आइटम है हमारा पनीर, पनीर लेंगे, क्योंकि हाई प्रोटीन होता है, और जो लोग चिकन और एग नहीं खाते उनके लिए प्रोटीन बेस्ट है, सॉरी पनीर बेस्ट है प्रोटीन सोर्स। तो एक लेंगे हम देसी घी, क्योंकि हम सारी चीज़ जो भी अपनी देसी घी में कुक करेंगे, ऑयल वॉयल का मैं यूज़ नहीं करता, तो थोड़ा एक पैरी पैरी, बिकॉज टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। गाइस, एक लेंगे हम अपनी मल्टीग्रेन ब्रेड, बिकॉज ऑमलेट वॉमलेट में इसी का यूज़ होता है ज़्यादातर ना, या कोई सैंडविच बनाना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी एक ही कैरेट, कितनी की है, कहीं लिखा ही नहीं है, ये 325, बहुत महंगी है। तो अब चांस है ड्राई फ्रूट्स की, तो हम लेंगे आलमंड, बादाम गुड फैट्स के लिए, और क्या लेंगे, और लेंगे वॉलनट, अखरोट, और क्या लेना है, एक चीज़ और लेनी थी, मैं भूल रहा हूँ यार, क्या था, ओ सॉरी, डेट्स, ये और लेंगे हम डेट्स। गेनिंग करनी है तो बेस्ट है, गेनिंग के लिए अच्छा है, वैसे भी खा सकते। और गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे ओट्स, जिससे हम सुबह शेक बना के पीते हैं ओट्स का, वो अपने अपने रेसिपी देख रखते हुए कैसे वो बनता है, तो या इसे भी लेते हैं। हम लेंगे सोया चंक्स, बिकॉज हाई प्रोटीन, और आप रोज़ 50 ग्राम्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसमें डाइजेशन में भी इश्यू नहीं आता अगर 50 ग्राम्स आप खा रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता,
पर हाँ 50 ग्राम आप खा सकते हैं। और हम लेंगे ऑरेंज, मैं सुबह सुबह एक ऑरेंज ज़रूर खाता हूँ क्योंकि सिट्रिक बड़े छोटे छोटे केले हैं यार, इससे बड़ा तो मेरा ही है, मतलब मेरे पास जो केले हैं घर पे। चलो केले भी ले लेना, मैं तो ले छोटे छोटे केले इसलिए मैं ले नहीं रहा, बाहर इससे ज़्यादा बड़े मिल जाते हैं, मतलब मेरे पास हैं बड़े प्लेट पे। गाइस एक लेंगे हम मसाला ओट्स नूडल, ये नॉर्मल मैगी नहीं है, ओट्स से है, मतलब मैदा नहीं है इसमें। हाँ तो मैं खा सकता हूँ। और गाइस अगर आपको पास्ता खाना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ये वीट होल वीट का होता है, कोई मैदा वैदे का नहीं होता। तो एक मैं इसको लेता हूँ क्योंकि मेरे को पास्ता बनाना आता है। चलो सो गाइस मेरी ग्रोसरी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो चलते हैं बिलिंग काउंटर पे, बिल कराते हैं और दिखाता हूँ घर जाके क्या क्या लिया है। बाकी आपने देख ही लिया होगा वीडियो में क्या क्या लिया, तो घर जाके दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो देखते हैं चलते हैं बिल कराते हैं, देखते हैं कितने का फटका लगा है और कितने रुपए यहाँ अभी जाने वाले हैं मेरे। चलो गाइस और हम लेंगे ये अपनी एक ड्रिंक, ये इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं और इसका फ्लेवर है ये इलेक्ट्रोलाइट्स और इसका लाइम फ्लेवर है और इसमें शुगर होता है एकदम ज़ीरो, कहाँ है टोटल शुगर ज़ीरो। तो या जिम के बीच में आप वर्कआउट के बीच में इसको पी सकते हैं, अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। अपनी शॉपिंग हो गई है डन और मैं भूल गया था, मुझे खांसी हो रही है जब भी मैं गलती से मास्क ले ली, तो चलो चलते हैं। तो जो भी कुछ लिया मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा क्या क्या मैंने लिया है, और ये मैं रिकमेंड नहीं करता, प्यास लगी थी बहुत इससे ले ली, ठीक है। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आप होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।